लेफ्ट मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट शहर से लगा हुआ सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 1 सैमराबाद। भाजपा सरकार में आसमान छू रही महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों आम जनों की विभिन्न बुनियादी समस्याओं एवं मध्य प्रदेश बियर हाउसिंग कॉरपोरेशन के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में तथा मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्सिस कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सागर कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पूर्व सैकड़ों कांग्रेसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नरियावली, सागर ग्रामीण, मकरोनिया सदर, युवा कांग्रेस नरियावली के तत्वावधान में स्थानीय पहलवान बब्बा मंदिर के समीप एकत्रित होकर भाजपा सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार की युवा, किसान, आम जन व श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल के नाम 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर एवं SDM सपना त्रिपाठी को सौंपा। हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बुनियादी समस्याओं को लेकर आज का यह प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के नेतृत्वकर्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री सम्मानी सुरेंद्र चौधरी जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कुंभकर्णी सरकार है, आज किसान किस तरीके से विपदा भरी इस घड़ी में अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई राहत नहीं मिल रही, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा, आउटसोर्स के जो है एयर हाउस कारपोरेशन के बेचारे भटक रहे हैं, उनके अभी स्थायी कर्मचारी होने के बाद किसी सरकार ने वादा किया था कि स्थायी कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा, उनको ऑर्डर कर दिया प्राइवेट कंपनी निजी क्षेत्र में बेरोजगारों को डालकर उनके हकों पर डाका डालना, इसी तरीके से आज जिस तरीके से राशन माफिया राशन खा रहा है आम आदमी में, तीसरी बात जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में बलात्कार फल फूल रहा है, महिलाओं के नाम पर, चाहे वृद्धों के नाम पर, बच्चियों के नाम पर, धड़ल्ले से बलात्कार सागर में हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस विभाग के प्रभारी हैं, महिला बाल विकास, उसमें कुपोषण में टाका डाला गया है, उसमें सागर भी शामिल है। सागर के पोषण आहार केंद्र से आज जिस तरीके से बड़ी संख्या में पोषण आहार का चोरी हुई है, मुख्यमंत्री यहाँ के तीन तीन मंत्री मुंह खोलने तैयार नहीं है। इन सारी बुनियादी समस्याओं को लेकर आज हमने 11 सूत्री कार्यक्रम का एक ज्ञापन कांग्रेसियों की उपस्थिति में जिला प्रशासन को सौंपा है, उसकी कॉपी हम इन राज्यपाल के साथ हमने राजा रामचंद्र जी जो भगवान है अयोध्यावासी उनके शिष्य हनुमान जी को भी सौंपी। अगर ये अधर्मी पापी चोर बदमाश जो डाका डाल रहे हैं बच्चियों के हक पर, अगर वो नहीं सुनते तो राजा रामचंद्र जी पर हमें विश्वास है हनुमान पे कि वह इनको मुस्तिका से ठीक कांग्रेस पार्टी।